जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मेरे अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने मुझे अध्यक्ष पद छोड़ने की अनुमति दी और स्वयं अध्यक्ष बनना स्वीकार किया ताकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा समय दे सकूं। लेकिन कुछ टीवी चैनल और एक समाचार पत्र ने तथ्यहीन और मनगढ़ंत कहानी बना करके मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। पार्टी में विवाद पैदा करने की मंशा से खबर प्रसारित की गई। ललन सिंह ने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए दो न्यूज चैनलों और एक अखबार को नोटिस भेजा गया है। यदि न्यूज चैनल के पास कोई सबूत है तो उसे प्रदर्शित करें, अन्यथा क्षमा मांगे। ऐसा नहीं करने पर 15 दिनों के बाद मैं कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे अध्यक्ष पद छोड़ने की अनुमति दी और स्वयं अध्यक्ष बनना स्वीकार किया ताकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा समय दे सकूं। और उनका यह निर्णय मेरे साथ जनता दल यू के सभी कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष की बात थी। लेकिन कुछ टीवी चैनल और एक समाचार पत्र ने तथ्यहीन, झूठा और मनगढ़ंत कहानी बनाई और मेरी छवि को धूमिल करने तथा जनता दल यू में विवाद प्रचारित करने के एकमात्र उद्देश्य यह खबर दिखाया कि मैं श्री नीतीश कुमार जी के बदले श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 10-12 विधायकों की बैठक की, जो पूर्णतः मनगढ़ंत थी। जिस पार्टी को स्थापना काल से मैंने सींचा और बढ़ाया, उसका खलनायक मुझे बनाने का प्रयास मीडिया ने किया। मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए मेरे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया। यदि न्यूज चैनल समाचार पत्र के पास तथ्यहीन, असत्य और मनगढ़ंत समाचार का कोई आधार और प्रमाण है तो उसे प्रदर्शित करें, अन्यथा प्रमुखता से झूठ और तथ्यहीन समाचार फैलाने के लिए क्षमा मांगे। ऐसा नहीं करने पर 15 दिनों के बाद मैं मानहानि का मुकदमा न्यायालय में दाखिल करूंगा।